तो पिछले 2 दिन में हमने हैवलॉक में एक्सप्लोर किया राधानगर बीच, ब्यूटीफुल हाइक टू एलिफेंट बीच, एंड अ डिफरेंट स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस। तो अभी हमारा फेरी है नील के लिए, तो पहले लेट्स रोल द इंट्रो, मिलता हूँ आपको उसके बाद। अंडमान्स, तो किसी के लिए टापू काला पानी है और किसी के लिए अनटच्ड पैराडाइज। अभी आपके लिए क्या है, इसके लिए तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर में। तो अभी हम बोर्ड कर रहे हैं नील के लिए। जर्नी विल टेक 2 to 3 hours एंड दिस इज हाउ शिप लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड। नाउ एंजॉय द जर्नी। तो सामने आप जो जट्टी देख रहे हो ये है शहीद आइलैंड का जट्टी। तो सबसे पहले हमें होटल बुक करना है, फिर बाइक लेनी है रेंट पे, और उसके बाद एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे हम नेचुरल ब्रिज लक्ष्मणपुर बीच पे। तो जो सनसेट होने को 1-2 घंटे ही बाकी हैं, तो देखते हैं हम डेलाइट में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये है हमारा होटल और अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए लक्ष्मणपुर बीच। वहाँ पे नेचुरल ब्रिज है, मैंने काफ़ी सुना है उसके बारे में, तो वो देख के आना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अंधेरा होने ही वाला है, देखते हैं टाइम से पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं, और अगर हाई टाइड हुआ तो अभी भी जाने में प्रॉब्लम होगा। सो लेट्स होप फॉर द गुड, मिलता हूँ आपसे लक्ष्मणपुर बीच पे। सो गाइस, जो पीछे मेरे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है नेचुरल ब्रिज। प्रेजेंटली है हम अब नील आइलैंड पे, तो यहाँ आते थे काफ़ी लेट हो गया, लेकिन लकली हमें मिल गई लो टाइड, तो हमें नेचुरल ब्रिज देखने को मिल जा रहा है। अगर हाई टाइड होती तो हम यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, और यहाँ आते थे काफ़ी लेट हो गया। तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि जो मैक्सिमम आपको दिखा दूँ, और ड्रोन का अगर कुछ सीन होता है उड़ने का, आई डोंट नो कि यहाँ पे परमिशन है या नहीं है, अगर परमिशन मिलेगा तो पक्का आपको दिखाऊंगा। एंड आई एम रियली सॉरी यार कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, तो ट्राई करूँगा कि आपको मैं वॉइस ओवर से बताऊँ। इसके अलावा और भी ब्रिजेस हैं जो मेरे पीछे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। जो ये वाला वो जगह पे देख रहे हो ना, तो वहाँ पे 2 के आसपास जो है ब्रिज दिख रहा है, तो अभी मैं वहाँ जाता हूँ। अंधेरा ऑलरेडी काफ़ी हो गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अंडमान में जो है सनसेट है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो आई एम ट्राइंग टू कवर इट। अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा एंड आई विल टेक द वीडियो एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। सो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये थे कुछ नज़ारे नेचुरल ब्रिज और लक्ष्मणपुर बीच के। तो अभी हम आपको पास से जाके दिखाता हूँ, अंधेरा होने ही वाला है, देखते हैं कि जो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है वहाँ तक हम डेलाइट में पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं। और हम रास्ते में जा ही रहे थे तो एक डेड लॉबस्टर हमें मिला। अमेजिंग लग रहा है ना यार, लेट होगा यहाँ पे आता है, आई विश मैं जल्दी आप पता हो रही ये, मतलब हम पूरा लाइट में देखते। तो आज के दिन के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल आपको सुबह।
मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं भरतपुर बीच पे डाइविंग के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश हुई है और जो मौसम भी है वो भी क्लाउडी है, तो पता नहीं पानी के अंदर विजिबिलिटी होगा, अगर होगा भी तो कितना होगा। तो लेट्स होप फॉर द गुड। और डाइविंग का भी मैं आपको बता देता हूँ, तो डाइविंग का जो चार्जेस है 4,500 पर पर्सन है, जिसमें इंक्लूड रहता है आपका फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, और आपको 10 मीटर की डेप्थ तक लेके जाते हैं। तो पहले क्या था, जो प्राइस था ऊपर नीचे होता था, लेकिन अभी पूरे नील का जो प्राइस है कॉन्स्टेंट है। आपके टाइम पे कितना आपको मिलेगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी इस टाइम पे 4,500 जो था फिक्स था, बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे जो छोटा सा जो इंस्ट्रक्शंस या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो बोल रहे थे, कल रात को बता रहे थे कि 10 से 15 मिनट वो जो आपको बताएंगे उसके बाद ही आपको लेके जाते हैं। सो चलो चलते हैं। और हमारे पास आज का ही टाइम है, हम कल का वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल हमें निकलना है, और प्लस ये लोग जो हैं स्लोट इशू करते हैं, तो हमें मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का स्लोट इशू आया। अभी टाइम अराउंड 6 बजने वाले हैं, तो लेट्स होप फॉर द गुड। अभी देखते हैं जाके क्या देखने को मिलता है। तो गाइस ये है भरतपुर बीच, यहीं पे आपका डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और अदर वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट्स जो होता है यहीं पे होता है, क्योंकि जो बाकी जो हमारे बीच हैं वो ओनली व्यू पॉइंट है, वहाँ पे कोरल्स है तो आप वहाँ पे स्विमिंग भी नहीं कर पाते हो, ओनली व्यू देखने के लिए वहाँ पे जा सकते हो। तो अगर आपको स्विमिंग वगैरह भी करनी है तो आपको इसी बीच पे करनी पड़ेगी, जैसा कि हैवलॉक में है कि आप हर बीच पे जाके स्विमिंग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो नॉर्मल बीच है, सैंड वाले बीच है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ के जो बीच है उनमें कोरल रीफ टाइप का फॉर्मेशन है सिर्फ भरतपुर को छोड़ के, तो कहीं भी आपको समय वगैरह नहीं पड़ता। तो अभी हम जा रहे हैं छोटे से ट्रेनिंग सेशन के लिए, वहाँ पे हमें ब्रीथिंग प्रैक्टिस करवाएंगे और जो हैंड सिग्नल है पानी के अंदर कैसे कम्युनिकेट करना है थ्रू हैंड सिग्नल वो बताया जाएगा। तो थोड़ी सी ब्रीथिंग प्रैक्टिस एंड थोड़ी सी मस्ती एंड वी आर गुड टू गो। और गाइस सच में इस टाइम पे जितने भी बंदे थे ना सभी अंदर से नर्वस थे, क्योंकि बंदे पहली बार ट्राई कर रहे थे यार स्कूबा, तो थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। गुड, यस, चलो कैमरा दे दो इनको। तो जब शुरू किया था तो सीन कुछ ऐसा था, विजिबिलिटी कम था, मौसम क्लाउडी था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या एक्सपीरियंस किया आप खुद ही देख लीजिए। इट वॉज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस डाउन देयर, लाइफ में एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। जस्ट लुक एट दिस थिंग, जैसे इसके पास जाते हैं ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस जो आपको करने को मिलेंगे, आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्कूबा डाइविंग सच में बहुत ज़्यादा ईजी है। बस अपनी कम्फर्ट जोन से निकलिए, अपना डर साइड में रखिए एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ दिस ब्लू प्लैनेट। तो जो आप अभी रिमेन्स देख रहे हो हैं ये हैं पुरानी जेटी के, सुनामी के टाइम पे जो टूट गई थी। आप लोगों में से किस किस ने स्कूबा किया है और आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वाओ, तो ऐसा एक्सपीरियंस ना आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। तो अभी हमने स्कूबा कर ली है तो अभी चलते हैं। आपको बीच के साइड में ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको लगभग सभी सामान मिल जाता है। अगर इसके अलावा आपको और कुछ सामान भी लेके जाना है यहाँ से तो आप जो मार्केट है वहाँ से ट्राई कर सकते हो। हमने इसमें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब हमने ले ली।
तो अभी हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, तो पहले हम एक्सप्लोर करने के लिए गए आफ्टरनून में लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1। तो वहाँ पे नो फ्लाइंग जोन था, तो वहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाए, थोड़े से शॉर्ट्स लिए और वापस आ गए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सीतापुर बीच के लिए। सीतापुर बीच में जो है व्यू पॉइंट है सनराइज का, लेकिन हमारे पास कल का टाइम भी है, तो हम कल सुबह सनराइज देखने के लिए आएंगे। तो हम जस्ट ऐसे ही देखने जा रहे हैं कि कैसा नज़ारे हैं वहाँ के। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, इससे थोड़ा सा हेल्प मिलता है। मिलता हूँ आपसे कल सुबह, तब तक का एंजॉय कीजिए सीतापुर बीच के ये सुंदर दृश्य। ट्रैकिंग कर रहे हैं, शायद ही किसी ने यहाँ पे किया होगा। सो गाइस प्रेजेंटली आई एम इन द ई, सो प्रेजेंटली पीछे तो देखो।